हार्ट अटैक, ये नाम सुनते ही डर लगने लगता है। और उसमें भी अगर आपने किसी को हार्ट अटैक आते हुए या बाद में सुना है, देखा है, कोई आपका रिलेटिव है, तो ये डर और बढ़ जाता है। तो क्या वो 6 कारण हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है और क्या इसका उपाय करना चाहिए? ऐसे कौन सी टेक्निक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप घर पे ही करके इन सभी चीज़ों को रोक सकते हैं, हार्ट अटैक आने से भी बच सकते हैं? आज इस वीडियो में यही हम समझेंगे और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको पूरा देखिए, हर चीज़ को समझिए और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आप इस हार्ट अटैक से खुद को बचा सके। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी, ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हार्ट अटैक आता क्यों है, इसके क्या मुख्य 6 कारण है, ये आज हम समझने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम ये समझते हैं कि हार्ट अटैक यानी क्या होता क्या है एक्चुअली। अब देखिए, ये आपका दिल है, ये हार्ट है। हार्ट का काम क्या है, पूरे शरीर को खून का सप्लाई करना, यानी कि सारे शरीर को खून मिलना चाहिए और खून से क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, हर सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो पूरे शरीर को चलाने का जो मुख्य काम है, उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करने का जो मेन काम है, वो करता है आपका दिल। लेकिन आपके दिल को भी खाना चाहिए, यानी दिल को भी खून चाहिए और दिल को खून पहुंचाने का काम, ब्लड सप्लाई करने का काम जो जो आर्टरी करती है, जो नस करती है, उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी क्या करेगी, आपके दिल को ब्लड सप्लाई करेगी, क्योंकि हर सेल को, बॉडी के हर सेल को खून की आवश्यकता है। अगर बॉडी को खून ना मिले, किसी सेल को खून ना मिले, तो वो सिकुड़ सकती है। अब क्या होता है, जो आर्टरी आपके दिल को ब्लड सप्लाई करती है, किसी भी कारणवश उसके अंदर अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, उसके अंदर, अब ये ब्लड वेसल है, वो ये जो वेसल है जो आपके हार्ट को खून पहुंचा रही है, किसी भी कारणवश अगर ये सिकुड़ जाए या ये ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, तो जैसे ही ये बंद हो जाएगी, हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये क्यों बंद होती है, इसका कारण क्या है, यही हमको आज समझना है। तो पहला और मुख्य कारण जो इसका होता है, वो होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। देखिए, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल होती है, जिसे हम कहते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, वो 200 से कम होनी चाहिए। इसके ऊपर मेरा एक अलग से वीडियो है, कोलेस्ट्रॉल के क्या टाइप्स होते हैं, क्यों बढ़ सकता है, क्या खान पान में हमने प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, वो जनरली एनिमल प्रोडक्ट जो है, एनिमल फूड जो है, उसी से बढ़ता है। तो फिर इसमें मीट, चिकन, ये सभी चीज़ें आ गई, यानी कि नॉनवेज, और उसके साथ साथ दूध, दूध इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट, तो दूध से भी ये बढ़ सकता है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है, आप ज़रूर देखिए, दो वीडियोज इसके ऊपर है, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं और ये क्यों बढ़ता है और क्या आपने घरेलू उपाय करना चाहिए, ये दोनों वीडियोज आप ज़रूर देखिए। ये हो गया इसका मुख्य कारण। अब क्या होगा, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ये ब्लड वेसल्स में, तो यहाँ पे एक परत जमने लगती है, मोम के जैसा ये पदार्थ होता है, ये जो खून की नस है, इसको ये जाड़ा करने लगता है। तो ये जो छेद दिख रहा है आपको, जहाँ से ब्लड पास हो रहा है, ये सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है, और इसके नीचे एक परत होती है, एक पर्दे के जैसी एक मेम्ब्रेन बन जाती है। अब क्या हो गया, जिस दिन ये मेम्ब्रेन फट जाएगी, तो वो टोटल ब्लॉक हो जाएगा, 100% ब्लॉक हो जाएगा, और जहाँ पे ये नस जो है, जहाँ पे ये ब्लड वेसल खून पहुँचा रही है, वो मसल कम्प्लीटली काम करना बंद कर सकती है और इसकी वजह से आ सकता है हार्ट अटैक। दूसरा मुख्य कारण जो इसका होता है, वो होता है ट्राइग्लिसराइड की लेवल बढ़ जाना। अब ट्राइग्लिसराइड किसमें होता है, ट्राइग्लिसराइड यानी कि आपके जितने भी ऑयल है, जो तेल आप यूज़ करते हो, कोई भी तेल क्यों ना हो, कितना भी रिफाइंड तेल क्यों ना हो, ये सभी तेल में ट्राइग्लिसराइड होता ही है। अब ये तेल और जिन चीज़ों से तेल बनता है, यानी कि तेल बनाने वाले सबके सब ड्राई फ्रूट्स, ये दोनों के दोनों आपको बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें होता है ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह से कोलेस्ट्रॉल के जैसा ही आपकी जो धमनियां है, जो ब्लड वेसल्स है, उसको ब्लॉक करने का काम करता है। तीसरा और बहुत ही मुख्य कारण, और जो कि पूरी तरह से आपके हाथ में है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, वो होता है स्ट्रेस, तनाव। तनाव जब भी आपको आता है, एक विशिष्ट प्रकार के केमिकल्स जो है आपके बॉडी में रिलीज होने लगते हैं। अब अगर पहले से ही ये ब्लड वेसल्स में ब्लॉक है और आपने बहुत स्ट्रेस ले लिया, तनाव ले लिया,
हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया या फिर सदमा किसी चीज़ का आपको पहुंच गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑलरेडी जो ब्लॉकेजेस है, जो मेम्ब्रेन वहाँ पे बनी है, वो सडनली फट सकती है और इसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लॉक हो सकता है। स्ट्रेस जो होता है वो अलग अलग फैक्टर्स से आपको आ सकता है, फैमिली का स्ट्रेस आ सकता है, पैसे के कारण, पैसे की तंगी के कारण या पैसे के व्यवहार के कारण हम कहेंगे स्ट्रेस आ सकता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, प्रेशर है किसी काम का, ये भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है, या फिर आपका कोई हेल्थ इशू चल रहा है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है और आप बहुत परेशान हैं उस बीमारी से, तो ये स्ट्रेस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर आपके लाइफ में हो सकता है। उसी के साथ साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, आपको अनुमान ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था, आप अपेक्षा ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, और ऐसे अगर कुछ आपके लाइफ में होता है जिससे भी स्ट्रेस पैदा हो सकता है और हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा कारण इसका होता है डायबिटीज़। अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गई तो क्या होगा, ये जो मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताया है, यहाँ पे वो दीवारें जो है खुरदड़ी हो जाएगी और जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली वहाँ पे जाके चिपक सकता है और हार्ट अटैक की संभावना जो है बढ़ सकती है। पांचवा मुख्य कारण इसमें होता है टोबैको। और टोबैको जिन जिन चीज़ों में है, वो सभी चीज़ें, जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये भी आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो दीवारें हैं उनको खुरदड़ा बना सकती है, जिसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल जाके चिपक सकता है और ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्मोकिंग आपको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। अगर आप तंबाकू खाते हैं तो वो बंद करना पड़ेगा। कोई आप पूड़ी लेते हैं, कोई खैनी वगैरह आप खाते हैं, तो ये सभी चीज़ें जिसमें टोबैको कंटेंट है पूरी तरह से आपको बंद करना पड़ेगा। छठवां कारण जो होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर अगर काफ़ी दिनों तक कॉन्स्टेंटली ज़्यादा रहता है तो ये भी आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। ये तो थे छह कारण जिनकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ सकती है, और इसके उपाय जो है, इसकी ट्रीटमेंट जो है, पूरी तरह से आपके हाथ में है। काफ़ी फैक्टर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करना है आपको, पैदल चलना शुरू करना है, पैदल चलिए। इससे क्या होगा, आपके हार्ट की भी क्षमता बढ़ जाएगी, ब्लॉकेजेस बनने के भी जो काम है वो स्लो डाउन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वज़न कम करिए, क्योंकि वज़न भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए आपको उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। खानपान में याद रखिए, जिन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल है उन चीज़ों को बंद कर दीजिए, फैटी चीज़ें बंद कर दीजिए। उसी के साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको खाते हैं, पूरी तरह से आपको ये बंद करना है। आपके खाने में नमक का प्रमाण जो है वो भी आपको कम करना है। उसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी बात है, आपको रोज़ के रोज़मर्रा के खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रमाण ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ये बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के लिए। और इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव को लेना आप कम कीजिए। इसके ऊपर काफ़ी टेक्निक्स आप सीख सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे भी स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस के ऊपर मेरे कुछ वीडियोज़ हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। उसी के साथ साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और होम्योपैथी की आप ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, तो डेफिनेटली आप होम्योपैथी की मेडिसिन लीजिए। होम्योपैथी से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, बिना साइड इफेक्ट आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।